मेरठ से है भारत समाचार की खबर का असर हुआ। छात्रा से दरिंदगी करने वाले गुंडों पर केस दर्ज हो गया है। पुलिस ने 4 गुंडों पर मुकदमा दर्ज किया। भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ मेरठ में। ये वीडियो जो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, अब इसी फुटेज के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने 4 गुंडों पर मुकदमा दर्ज किया और इसी के साथ ही पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करके इनकी तलाश भी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है, गिरफ्त से दूर है पुलिस के आरोपी। दरिंदगी करने वाले एक आरोपी की पहचान भी हो चुकी है। ये आरोपियों की हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। केस दर्ज, लेकिन अभी तक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गर्ल्स कॉलेज में घुसकर गुंडों ने छेड़खानी की थी छात्रा के साथ। अब कॉलेज प्रशासन पर भी सवाल है कि आखिर गर्ल्स कॉलेज में गुंडे कैसे पहुंच गए। छेड़खानी कर युवती का वीडियो बनाया था। किठौर क्षेत्र के गर्ल्स कॉलेज का पूरा मामला ये है। देखिए आरोपी नंबर 4, हर एक आरोपी की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी नंबर 1 छात्रा के साथ छेड़खानी की गई। आरोपी नंबर 2 जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है उसी के आधार पर। आरोपी नंबर 3 को आप देखिए। आरोपी नंबर 4 गुंडे जो वहां पर पहुंचे गर्ल्स कॉलेज के अंदर और वहां पहुंचकर छात्रा के साथ छेड़खानी की और फिर उसके साथ दुष्कर्म की भी कोशिश की। अभी तक ये पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन भारत समाचार की खबर का असर हुआ। सुबह से ही खबर पर हम बने हुए थे, उसके बाद मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अपडेट के लिए मेरे सहयोगी शोएब जिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शोएब, कोई अपडेट है पूरी खबर पर अभी तक? अभी तक जो पुलिस ने सिर्फ मुकदमा दर्ज कराया है, उसके बाद जिन दो दरिंदे थे उनकी बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन कस्बे के ही वो युवक हैं जो चारों के चारों दबंग हैं, लेकिन उन गुंडों की अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं करी है। आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं और आखिर कब गिरफ्तारी होगी, एक बड़ा सवाल है। या फिर कौन इन गुंडों को बचाने के प्रयास कर रहा है, किसके संरक्षण में है और पुलिस किसके दबाव में जो है ये कार्रवाई नहीं कर रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर इतने बड़े मामले के अंदर जो मेरठ पुलिस साहस दिखाती है अपना बदमाशों के पैरों में गोली मारकर अपनी वाहवाही लूटने वाली, इसके ऊपर क्यों अभी तक जो कार्रवाई गुंडों पर क्यों नहीं कर रही है, ऐसा क्यों, वजह क्या है, आखिर ये सवाल है। क्योंकि अगर ये ऐसे दरिंदे जो है दीपा, ये समाज के लिए जो है ये खतरा है। जो बेटी जो है, जो बेटियां जो पढ़ने जाती हैं, छात्राएं पढ़ने जाती हैं, कहीं ना कहीं जो परिजन है उनके दिल में एक भय पैदा होगा, उनकी बेटियों की पढ़ाइयों पर भी काफी नुकसान होगा। पहले भी ऐसे मामले आए हैं कि शहदों के डर से छात्राएं घर में बैठ गई, पढ़ाई छोड़ दी, घर से निकलना बंद कर दिया, लेकिन ये तो इतनी बड़ी वारदात है जिस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। दुसाहसिक जो थे ये शौर्य, ये गुंडे कहेंगे हम इन्हें, इन्होंने बिल्कुल एक वीडियो बनाया गया, छात्रों को धमकाया गया, उसके साथ जबरन उसको अगवा करके रेप की उनका इरादे था, उनकी मंशा क्या थी, पूरा खुलासा पुलिस को करना। आप बने रहिए हमारे साथ। अविनाश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसपी मेरठ है। अविनाश पांडे जी, क्या दिक्कत आ रही है? मुकदमा दर्ज हो गया लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। देखिए इसमें 4 से 5 टीमें हम लोगों ने लगा दी हैं और अभियुक्त अभी भागे हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग शाम तक प्रयास करेंगे कि जितने भी अभियुक्त हैं सबकी गिरफ्तारी की जाए और सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी, इसका भी घटना कतई बर्दाश्त नहीं। ठीक, अभी तक क्योंकि 1 महीने पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है अविनाश पांडे, और तब से लेकर अभी तक पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब जब हर तरीके से किरकिरी हो रही है उसके बाद कहा जा रहा है कि टीमें गठित की जा रही है। नहीं देखिए, जैसे ही संज्ञान में मामला आया है उसके बाद पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया है, स्वयंभू पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकथाम के लिए हम लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। जैसे ही मामला संज्ञान में आया है तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी की गई? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि जहाँ की छात्रा है, छात्रा रहने वाली है, जिस कस्बे की, वहीं पर ये गुंडे भी रहते हैं, पुलिस पर भी दबाव है, इसीलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, बिल्कुल इस मामले में कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव न है और न ही बर्दाश्त किया जाएगा। और अभी अभियुक्त वहाँ से फरार है और उसके लिए हमने टीमें बाहर निकाल भी दी है। उनकी गिरफ्तारी आप ना मान लीजिए कि निश्चित रूप से होगी, इसमें मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक गिरफ्तारी ना हो जाए। कब तक हो जाएगी गिरफ्तारी? अब इस बारे में बिल्कुल सख्त रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आज शाम तक हम प्रयास करेंगे गिरफ्तारी हो जाए। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि जो अभियुक्त हैं वो तो हालांकि फरार हैं, उनके परिवार वालों से बातचीत हो पाई है क्या? परिजनों से मिले, आपने बात की उनसे, पूछताछ की? सभी से बातचीत हो रही है, सभी से पूछताछ हो रही है। जहाँ जहाँ उनकी लोकेशन का कुछ भी संज्ञान आ रहा है वहाँ वहाँ के लिए टीमें रवाना कर दी गई। और आप ये कह रहे हैं कि शाम तक गिरफ्तारी हो जाएगी किसी भी हालत में? ये तो देखिए नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमारा पूरा 100% प्रयास रहेगा कि गिरफ्तारी हो जाए।
लेकिन इतना वक्त क्यों लग गया अविनाश पांडे, क्योंकि आप मेरठ के जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि लगातार ऐसी वारदातें हो जाती हैं, पुलिस कुछ भी नहीं करती, दबंगों पर से जो इकबाल है पुलिस का वो खत्म हो रहा है इलाके में। बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ही ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस प्रकार की घटना में कोई दबंग हो, कोई भी हो, कतई उसे बख्शा नहीं जाएगा। और छात्रा के परिजनों से आपने बात की क्या, वो लोग क्या कह रहे हैं? छात्रा के परिजनों से बात हुई है। छात्रा दरअसल एडॉप्टेड थी यहाँ पर, अभी वो अपनी रिश्तेदारी में गई हुई है और वो लोग मुकदमा कराने को राजी नहीं थे, इसीलिए हम लोगों ने अपनी तरफ से मुकदमा कर दिया। ठीक है, अविनाश पांडे बने रहिए हमारे साथ। विमला बाथम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष है राज्य महिला आयोग की। विमला बाथम, देखा आपने जो हुआ मेरठ में? नहीं है माँ, ये अभी आपके यहाँ से पता चला मुझे कि इतनी शर्मनाक घटना है ये, इसकी तो जितनी निंदा की जाए उतने कम है। और मुझे जैसे प्रूफ मिलेगा मैं तुरंत उनके खिलाफ एक्शन लूंगी, लड़कों के खिलाफ जो तीन लड़कों ने एक लड़की को परेशान किया है, जो भी इसके साथ अवस्था किए, ये बहुत एक अपने आप में ऐसे अगर सड़क चलते इस तरह की अगर बात आती होंगी तो महिला कहाँ सुरक्षित रहेगी। तो मेरा तो बहुत सख्ती से ये है कहना कि ऐसी घटनाएं हो ना कभी भी, इसके लिए हम कोशिश करेंगे और जो जिन लड़कों ने किया है उनको सख्त सख्त सजा मिले ताकि दूसरे सबक ले सकें कि ऐसी घटना करने से आपको क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है। विमला बाथम, आपको क्या लगता है क्यों ऐसी वारदातें हो रही है खुलेआम? कॉलेज में घुस के दबंग जो हैं वो छात्रा को पकड़ते हैं, छेड़खानी करते हैं, खुलेआम उसका वीडियो बनाते हैं, उसको सोशल मीडिया पर भी वायरल कर देते हैं, आखिर इतने हौसले बुलंद क्यों है बदमाशों के, दबंगों के, क्या आपको लगता है? ये बहुत हैरानी की बात मुझे भी लग रही है, इतने हौसले कैसे बुलंद हो गए जबकि योगी सरकार में तो ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा सख्ती हो रही है, उसके बावजूद कैसे घटना घटी और कैसे इतने हौसले उनके बुलंद, उनका भय कैसे खत्म हो गया? निर्भय होकर लड़कों ने ऐसा काम किया है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें बहुत जल्दी से देखना है कि ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। लड़कों को बहुत सख्ती से सजा, अभी मैं तुरंत आपको तो फोन के बाद में मैं सख्ती वगैरह से बात करती हूँ कि इस तरह की बात आते कैसे हो रही है उनके शहर में। विमला बाथम, एसपी हमारे साथ, आपसे बात करने के बाद मैं उनसे संपर्क करूंगा। विमला बाथम जी सुनिए तो, हमारे साथ अविनाश पांडे एसपी देहात जुड़े हुए, आप चाहे तो अभी सवाल कर सकते हैं उनसे, लाइन पे हैं वो। हाँ तो कराएंगे सवाल। हाँ आप पूछिए सवाल जो अविनाश पांडे से आप पूछना चाहते हैं। हाँ पांडे जी, ये इस तरह की सरेआम घटनाएं हो रही है आपके उसमें, कैसे ये इतनी हिम्मत कैसे आई लड़कों में कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए मैडम, इसमें हम लोग पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई करेंगे, जो भी कानूनी धाराएं मैक्सिमम बन सकती हैं वो हम लोग लगा रहे हैं और हमने 4 से 5 टीमें बनाकर हर जगह दबिश भेजी हुई है और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही इन्हें सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। ये घटना तब की है, अभी तस्दीक नहीं हो पाया मैडम। सबक दे सकें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और पूरी तरीके से लगे रहेंगे। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। हिम्मत देखिए लड़कों की, खुले यहाँ वीडियो भी बना रहे हैं, इसका मतलब उन्हें बिल्कुल डर नहीं है इस बात का, तो आप जरा से इसको रिली सख्ती से इसमें अमल करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना आवश्यक और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर आप मुझे अगर दे देंगे इसकी रिपोर्ट तो बहुत अच्छा रहेगा, महिला आयोग के नंबर हमारा इनके दे दीजिए। मैं अभी तो लखनऊ में नहीं हूँ, मैं आज नोएडा में हूँ, लेकिन मैं आप इस रिपोर्ट तुरंत संज्ञान लेती हूँ। आप जरा मुझे अगर जो आपने किया एक्शन मुझे बता दीजिएगा। ठीक ठीक है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी और जो आरोपी हैं, जो दबंग है, वो सलाखों के पीछे जल्द से जल्द पहुंचेंगे, हमको भी उम्मीद है क्योंकि दर्शक देख रहे हैं और नजर है कि कब कार्रवाई होती है। हालांकि वक्त बहुत हो चुका है, अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई, सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दबंगों के इतने हौसले बुलंद कैसे हो गए मेरठ में। शुक्रिया आप सभी का, अविनाश पांडे आपका भी, विमला बाथम जी आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया।